हाल ही में जो हमारा ड्रामा सीरियल चल रहा है खई, उसमें जो मेरे वाले साहब का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे खालिद भट्ट साहब, ही पास्ट हुए। और मेरा और उनका सफ़र तो खैर बड़ा लंबा है साथ में। बूटा फ्रॉम टू बटेक सिंह से ये सफ़र शुरू हुआ। उससे पहले भी हमने काम किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन बूटा वॉज प्रोमिनेंट। उसमें भी उन्होंने मेरे वालिद का किरदार अदा किया था और ही वॉज़ वेरी हैप्पी थ्रू आउट द सीरियल। वो कहते थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दोबारा से जो है मेरे अंदर हिम्मत आ गई है कि मैं अपने बूटे के साथ खाऊँ। 4 महीने तकरीबन हम लोगों ने साथ गुजारा एंड फैंटास्टिक। बीच में उनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब होती रही। मैं जो वीडियो बनाने की बजाय मैं पिक्चर भी लगा सकता था या मैं कुछ और भी कह सकता था। उनकी हिम्मत जो वहाँ पे हमने देखी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, काफ़ी तकलीफ़ में भी होते थे। सारा सारा दिन पानी पी के, थोड़ी सी चाय पी लेनी है, बिस्किट खाने हैं, या आधी से भी आधी रोटी वो खाते थे बिकॉज़ उनको बहुत प्रॉब्लम था। ज़रा सा वो कुछ ज़्यादा खा लेते थे तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। लेकिन आप लोग अगर उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं उस सीरियल को, तो आप देख सकते हैं कि किस हिम्मत और ताकत के साथ उन्होंने परफॉर्म किया। नेगेटिव कैरेक्टर था उनका भी और मेरा भी है, बट उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती थी दुराब खान के लिए, दैट वॉज देयर। मेरी बात हुई जब प्रोमोज ऑन एयर हुए, जब पोस्टर्स आने शुरू हुए खई के, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। बड़ा प्यार भेजा उन्होंने मुझे, बहुत सारी दुआएं भेजी। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत दुआएं भेजी हमारी जो खई की प्रोडक्शन टीम है उनके लिए, जो जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया उनके लिए। ऑब्वियसली उसमें प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत खुश थे कि यार मैनू इन्होंने पोस्टर ते लाता है यार मेन दे उत्ते। और जिस तरह से उन्होंने वो लफ्ज़ कहा था, मैं बयान नहीं कर सकता। वॉज वेरी हैप्पी। कहते प्रोमो इच यार इन्होंने जिमें मैंने यूज़ किया है, जिमें इन्होंने मेरी इज्जत रखी है। सो लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज हमने वहाँ पे उनकी तकलीफ़ें भी देखी, उनको हंसता मुस्कुराता भी देखा। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर वर्क, तो जिस तरह से वो थोड़ा थोड़ा कभी गुस्सा भी हो जाते थे कि कोई अगर जब फोकस नहीं कर रहा होता था तो, बिकॉज़ एक आदमी इतना कुछ कर रहा है इस एज में, इतनी तकलीफ़ में, तो सोचें कि अगर वो ज़रा सा कुछ 19-20 होता था तो। एंड ऑब्वियसली बहुत प्यार मिला हमेशा ही मुझे उनसे। मैं सोच रहा था कि अभी बहुत सारी बातें करने के लिए, बस एक बात कहूँगा कि उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन।